आई होप कि जो तुम्हारे इंडिया वाले दोस्त हैं, हमारे सोसाइटी वाले, वो इस वीडियो को देखेंगे, उनको ही पता चलेगा कि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं फाइनली स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। एंड गाइस, जो आज एक्चुअल टेम्परेचर है वो -5 है, लेकिन जो फील्स लाइक है, जो मतलब विंड चल रही है बाहर आज भी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से फील्स लाइक मेरा टेम्परेचर -11 हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है इस ठंड का। तो चलो अभी जल्दी से स्कूल चलते हैं। गाइस, आज बहुत तेज हवा चल रही है, समझ लो कि लगभग 16 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और फील्स लाइक उसकी वजह से हो रहा है टेम्परेचर अभी कितना भी नहीं, -11 -13 के अराउंड हो रहा है अभी। और हमने तो अपनी ना जो मोटी वाली जैकेट है वो बाहर निकाल ली आज, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड में। और मेरे तो जो ना पिछले 4-5 दिन से जब एक बार वो ठंड लगी थी तब से वैसे ही हो रहा है फिलहाल। अभी उतना ही गले में मतलब खराश सी भी हो रही है और कोल्ड सा भी लग रहा है हल्का सा। और कल हम लोग भी नहीं वहाँ गए थे ना डेंटिस्ट के यहाँ पर, तो वहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा तेज़ हवा लग रही थी। बिकॉज ना उसमें उस क्या है कि वो हिल्स पे है पूरा, और हिल्स पे होने की वजह से वहाँ पर जो हवा है वो और तेज़ पड़ती है। और जबकि कल तो वहाँ फील्स लाइक -5 और -6 था, मुझे यहाँ से ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो इसीलिए होगा ना, मतलब आपको मतलब चेक करना पड़ता होगा, तो हवा तो चल रही थी उसकी वजह से ठंड लगती है। हाँ, एंड गाइज, मैं जा रहा हूँ अभी विनी को ड्रॉप करने के लिए मेट्रो स्टेशन पे। वो वहाँ से स्कूल निकल जाएगी और मैं उधर के उधर ही अपना ऑफिस निकल जाऊँगा वहाँ से, तभी हम लोग साथ में ही हैं। तो गाइस, कल मेरी आर्ट की क्लास थी, अब जो है सो हमारे ऑप्शन चेंजेस हो गए थे, तो मैंने आर्ट्स एंड फूड्स एंड फैशन लिया है। तभी हमारी आर्ट की क्लास थी कल, तो हमारे टीचर ने कहा कि हमें एक स्केच बुक चाहिए सब बच्चों को, ताकि हम उसमें मतलब ड्राइंग सीख पाएँ और स्केचेस सीख पाएँ। तो उसके लिए तो हमें स्केच बुक चाहिए, ड्राॅइंग बुक, तो मेरे पास वो नहीं है। तो आज हम वो सोचे कि जब मैं स्कूल से आऊँगी मैं मम्मा के साथ डॉलरामा चल के वो लेके आऊँगी। हाँ ठीक करना, डॉलरामा में सारी स्केच बुक वगैरह मिल जाती हैं, तो वहीं से जाके ले आना फिर। तब तक फिर पोलू के आने का भी टाइम हो जाएगा, फिर उसको पिक कर लेना, ठीक है? स्कूल से आ गई हूँ, और जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि मेरे को अपनी आर्ट क्लासेस के लिए स्केच बुक चाहिए, तभी हम लोग मम्मा के साथ डॉलरामा जाने वाले हैं। वहाँ से मैं अपनी स्केच बुक ले आऊँगी, वहाँ से तो सारे कलरिंग वगैरह का सामान मिल जाता है, तो स्केच बुक वहीं पर मिल जाएगी। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं, बाय करते हैं। सो गाइस, अभी हमें जल्दी भी लेना है, फाइनली सिटी सेंटर भी पहुँच गए हैं, बिकॉज मतलब पोलू का भी टाइम जल्दी होने वाला है, और अभी हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, बस एक ही तो चीज़ नहीं है, फिर तो चल लेंगे जल्दी से। चलो अभी चलते हैं फिलहाल। अपनी स्केच बुक भी ले ली है स्कूल के लिए, तभी मैं इसको यूज़ करूँगी और आपको ही कुछ दिनों में दिखाऊंगी अपनी आर्ट। वैसे मेरे पे ज़्यादा नहीं आती, अभी मैं सीख रही हूँ, मैंने कभी इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करा है आर्ट पे। जैसे कि हम लोगों ने वो तो अपना आर्ट चैलेंज भी करा था, उसमें भी मैं कुछ अच्छा नहीं बना पाई थी, एक तो टाइम ही नहीं मिला था और मेरे दिमाग में कुछ आइडिया भी नहीं था। तो अब मैं अपनी आर्ट के ऊपर वर्क करूँ, जैसे मेरी आर्ट की क्लासेज अब स्टार्ट हो रही है स्कूल में, तो सीखूंगी मैं कुछ और आप लोगों को भी कभी कभार दिखाऊंगी। हाँ गाइस, अभी पोलू के आने का भी टाइम हो गया, तो चलो जल्दी से घर चलते हैं, मम्मा उसे पिकअप कर लेगी और मैं भी अपना घर पे लंच कर लूँगी। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं अपने घर के पास वाले पार्क में, ये जस्ट हमारे यहाँ घर के पास में ही है, एकदम सामने की तरफ में, और एकदम से डाउनटाउन के ना हार्ट ऑफ द सेंटर में है ये। और गाइस, यहाँ पे देखो कोई झूला नहीं है, कुछ नहीं है। आज ना विन्नी तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने इंडिया वाले जो हमारा पार्क था जहाँ पे हम लोग रहते थे गाजियाबाद में, उसको, है ना विन्नी? हाँ, वो तो गाइस होता था क्या था कि जब हम लोग रोज होता था, कुछ भी होता था, हम लोग खेलने जरूर जाया करते थे अपने, मतलब हमारे जब अपार्टमेंट के पास एक पार्क था वहीं सोसाइटी के अंदर ही, तो हम लोग वहीं पर रोज खेलने जाया करते थे। ऐसा भी होता था कि हम लोग अपनी बॉटल भी फिल करके लेके जाते थे अपनी वाटर बॉटल, बिकॉज इतने ज़्यादा हम लोग वहाँ पर देर में रहते थे, बार बार तो घर से आओ फिर जाओ, इतना तो पानी नहीं पी सकते थे। और कई बार ऐसा हो जाता था कि जब भी मतलब कई बार हमारे दोस्त ही बुलाने आ जाते थे घर पर कि चलो विन्नी खेलने चलते हैं। हाँ। मतलब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है ना, यहाँ पे तो झूले भी नहीं है, कोई बुलाने तो कैसी आए, यहाँ पे कोई नहीं है। वो तो एक चीज़ और है कि बाबा आपको पता है, जब हम लोग बॉटल नहीं लेके जाते थे ना, वो तो मैं ग्लास से घर पे पानी भी नहाती थी, तो मम्मा कभी कभार वहीं रोक लेती थी कि अब तुम नीचे नहीं जाओगे, अब बस बहुत खेलना हो गया। तो एक ये फायदा भी था कि अगर बॉटल लेके जाओगे तो वो तो आपको वापस घर पे नहीं आना पड़ेगा। एक तो चीज़ है कि हम लोग जब आए तो हमारे यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी का इस वाली जगह पे तो कोई नहीं है,
उसकी वजह से विन्नी को कोई फ्रेंड भी नहीं मिले यहाँ पर। और पहली बात, ये ऐसी लोकेशन है नहीं कि इसमें आप मतलब बहुत अच्छे से खेलना कूदना कर लो। हमारे वो वाला जो पार्क था हमारे घर के सामने गाजियाबाद में, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते थे, उसके अंदर अपना अच्छे खासे भाग कूद करके खेलने कूदने के लिए चीज़ें थी। बच्चे थोड़ा सा तुम लोग वो खेल लेते ना, बैडमिंटन वगैरह भी खेल लेते थे, आपस में एक दूसरे को भाग भाग के पकड़ने वगैरह वो भी खेलने कर लेते थे, वॉलीबॉल भी थोड़ी बहुत खेल लेते थे। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाती यार। हालांकि तुम अभी बड़े हो गए हो, पोलू के लिए बहुत ज्यादा ये चीज है कि वो बहुत मिस कर रहा है, जो वहाँ पर हमारी स्लाइडिंग थी, मतलब झूले वगैरह पे थे, स्विंग करना, वो सारी चीजें उसमें थी। तो हम इस वाले घर में रह के जो डाउनटाउन में हम लोग रह रहे ना, उस चीज को तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज यहाँ पर अब हम लोग के पास में है नहीं। हम लोग यहाँ से बाहर जाएं जो आउटस्कर्ट्स में है, यहाँ से करीब करीब 25-30 किलोमीटर पे जो एकदम से डाउनटाउन से बाहर की जगह है, तो उसमें कुछ इस तरह की सोसाइटी बनी हुई है जिसमें ये सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। अभी हम लोग को मतलब वहाँ पता नहीं कब तक जाना होगा, होगा भी नहीं होगा, कैसे होंगी चीज़ें उसका पता नहीं है। काफ़ी सारे मतलब खर्चे भी उसमें हो सकते हैं हमें इंक्लूड हों, जो यहाँ से ज़्यादा होंगे। अब पापा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे हम इंडिया में रहते थे और जब मैं छोटी थी थोड़ी सी, अभी जब भी खेलने जाते थे हम लोग खेलते थे पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी, वहाँ पे तो ऐसे बोलते थे। हाँ। लेकिन यहाँ पे जब आए ना, यहाँ पे बर्फ पानी को बोलते हैं फ्रीज टैग। और हमारे मतलब मैंने बिल्कुल बीच के सेमेस्टर में ज्वाइन करा था, तो मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग से तो ज्वाइन नहीं हुआ था कि टीचर सब समझा रहे हैं अच्छे से, तो बीच में ज्वाइन हुआ था। और उससे हम लोग पी के लिए खेलने गए थे, वो बोल रहे कि चलो फ्री स्टैग खेलते हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। आपके साथ के जो बच्चे थे उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने मुझे टैग करा और मैं भागने लगी दोबारा से। मेरे को कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है, उस गेम का नाम क्या, टीचर ने कुछ समझाया नहीं, टीचर सोची कि सब बच्चों को आता है तो उन्होंने भी ऐसे ही छोड़ दिया। और मैं भागने लगी, फिर वो कह रहा कि अरे अरे रुक जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर मुझे मतलब गेम समझाया गया। मैंने तो कहा कि मेरे को तो गेम पता ही नहीं है क्या है। तो विनी, जैसे यहाँ पे तुम्हें खेलने के लिए नहीं मिलता है, तुम ऑब्वियसली उस चीज़ को मिस कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हो। हाँ। जो आपके इंडिया वाले फ्रेंड थे, सोसाइटी वाले फ्रेंड थे, उनको मिस कर रहे हो। बट जैसे स्कूल में जाते हो और वहाँ पे आपको लंच टाइम मिलता है 1 आवर का, उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से खेलो, और जो साथ के तुम्हारे जो मतलब वहाँ पे क्लासमेट हैं वो भी एक्साइटेड रहते हैं खेलने के लिए। हाँ, कभी कभार तो हम जिम में चले जाते हैं, वरना हम बाहर खेल लेते हैं कुछ चीजें ऐसे ही। तो वो रहते हैं एक्साइटेड वैसे ही जैसे इंडिया में तुम्हारे फ्रेंड्स थे, घर पे आते थे कि आ जाओ विनी चलो चलते हैं बाहर खेलेंगे, ऐसे ऐसे रहते हैं एक्साइटेड वो। अच्छा, तो चलो थोड़ा बहुत मतलब आप लोग का कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन मतलब यहाँ पे है ना कि मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ पर तो अपना हिंदी बोलते थे थोड़ा सा वैसे ही जैसे अपनी लैंग्वेज थी, तो वो सारी चीज़ तो नहीं है, लेकिन मतलब हाँ खेल तो लेते हैं। हाँ, तो बट ये जो घर के बाहर वाला पार्क है ना गाइस, उस चीज़ में जरूर हम लोग को मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है। मैं भी कई बार ये चीज़ महसूस करता हूँ कि हाँ हम लोग उतना बेनिफिट नहीं ले पा रहे। दो अभी जैसे अभी विंटर चल रही है, तो विंटर में उतना ज़्यादा तो खैर अगर करना भी चाहते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स होते भी 4-6, तो बाहर आकर के उतना नहीं हो पाता है ना। बट समर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है। समर्स में यहाँ पे क्या होगा कि समर्स में बिल्कुल रहेगा तो लैविश यहाँ पे ग्रीन वगैरह रहेगा, बट खेलने कूदने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। आप आके इन चेयर्स पे यहाँ पर बेंच वगैरह पे बैठ सकते हो, थोड़ा सा जो खूबसूरती है यहाँ पे, जो ये वाले सारे पेड़ हैं, ये वाले, ये इन सारे ग्रीन हो जाएंगे और बहुत प्यारे एकदम से यहाँ पर है ना, तो वो चीज़ का उसका अच्छा रहेगा। बट खेलने वाली चीज़ें मिस हो जाएंगी कहीं ना कहीं। अगर हमें वो अचीव करना है तो हम लोग को बाहर मूव करना पड़ेगा। देखते हैं उसका प्लान बनता है नहीं बनता है ना विनी। हाँ, चलो ठीक है, तब तक आप अपने स्कूल में जो इतना मिल रहा है उसको एंजॉय करो। हाँ, उस टाइम तो सिर्फ 1 आवर का टाइम ही मिलता है, वरना तो पी के जैसे पीरियड होता है उसमें हम लोग खेल लेते हैं वगैरह, बाकी तो कभी नहीं। आई होप कि जो तुम्हारे इंडिया वाले दोस्त हैं, हमारे सोसाइटी वाले, वो इस वीडियो को देखेंगे, उनको ही पता चलेगा कि उन लोगों को विन्नी कितना मिस कर रही है यहाँ पर आकर के। तो ठीक है, अभी घर चलते हैं। मम्मा कह रही है प्रेस यूजुअली तो पापा अपने क्लोथ्स पे खुद प्रेस करते हैं, लेकिन आज उनका थोड़ा सा काम था तो अभी मम्मा प्रेस कर रही है। मम्मा इस प्रेस को तो हार्ड नहीं लगता यूज करने में? हाँ, थोड़ा तो लगता है, ये वाली सिंपल थी और ये वाली इसमें पानी वानी भरा रहता है ना, तो मुझे डर लगता है कभी करंट वरंट ना। हाँ, मतलब पानी और इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत बड़ा मतलब वो है। इंडिया में है ऐसी प्रेस पर हमने कभी नहीं चलाई। हाँ, ऐसे चलाई नहीं थी हम लोगों ने कभी, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। वही चलाई ज्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डर लगता है, इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ प्रेस। ओके, तो इसलिए पापा ही कर लेते हैं, पापा ने मतलब चलाई है तो उन्हें तो मतलब आती है, हम लोगों ने तो ज्यादा नहीं चलाई है, तो इसलिए मम्मा क्लोथ प्रेस कर रही है।
आज हम लोगों ने आपको बताया कि हम जैसे पार्क में अपने इंडिया में नीचे खेलने जाते थे तो कितना ज्यादा मजा आता था, और वो चीज मैं बहुत ज्यादा मिस भी करती हूँ। एंड आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Thank you.